नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लेकर। नई दुनिया की दो बड़ी खबर निकल के आ रही हैं, दोनों खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या खबरें हैं, नई दुनिया की खबर निकल के आ रही है, किस प्रकार से खबर है ये जानेंगे। 10 मार्च की खबर है, आप देख पाओगे यहाँ पर नई दुनिया की खबर है। पूरी खबर पढ़ते हैं, डिंडोरी से निकल के खबर आ रही है। देखिए, अतिथि शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष किशोर बिहार और संरक्षक नितिन कुमार शर्मा ने बताया कि 13 मार्च को गायत्री मंदिर शंकरघाट नर्मदा नदी किनारे बैठक का आयोजन किया गया है। दोपहर 2 बजे से आयोजित बैठक में संघ के मजबूत करने के लिए विकासखंड डिंडोरी कंजरिया बाजार में अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। संघ के पदाधिकारियों ने जिले के अतिथि शिक्षकों से बैठक में पहुंचने को कहा है और जो है मंडल मानस मंडल बाट में नालियों का किया जाएगा भूमि पूजन। और नगर में जो है यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान के वहाँ पे ही दूसरी खबर निकल के आ रही है, जो वहाँ के जो परिषद वाले हैं उनके संबंध में कहा गया है। चलिए, हमारा मुख्य जो खबर है ये है कि नगर के 13 को बैठक आयोजित की जा रही है। स्थान जो है इन्होंने बता दिया है गायत्री मंदिर शंकरघाट नर्मदा नदी के किनारे। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होना है संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पहल पूरे प्रदेश में चल रही है। तो ऐसा ना हो कि रोज लोकसभा की जो चुनाव की पहल पूरे प्रदेश में चल रही है इसके साथ आपका जो मुद्दा रहा वो बह जाए। आपको जो 2 मार्च का आंदोलन लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उनको आपने जितना बताना था उनको आवेदन कर दिया है, ज्ञापन दे दिए हैं। अब हमें उनको प्रैक्टिकली समझाना है, पूरा वास्तविक रूप से समझाना है और दिखाना है कि चुनाव में किस तरीके से आपका नतीजा निकला। दूसरी बड़ी खबर क्या है, किस तरीके से निकल के आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजगढ़ ब्यावरा की खबर है, मध्य प्रदेश का जिला जो है भोपाल से लगा हुआ है, राजगढ़ ब्यावरा सारंगपुर से निकल के आ रही है कि समस्त अतिथि शिक्षक संघ अपनी उत्कृष्ट सेवा देकर शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य न्यूनतम मानदेय पर संवार रहे हैं। हमें नियमित करने में देरी हो रही है, वचन पत्र के मुताबिक जल्द नियमित किया जाना चाहिए। यह बात समीपस्थ जो है ग्राम मगराना माध्यमिक विद्यालय के अतिथि शिक्षक कमल नयन परमार और मुकेश जो सुरेश वैष्णव ने CM कमलनाथ को पत्र लिखकर कही। अतिथि शिक्षक ने कहा कि कमलनाथ सरकार पर पूरा भरोसा है, वो हमारे हित में कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन नियमितीकरण में देरी हो रही है। सरकार जल्द ऐसे सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित करे जो कम से कम 3 वर्ष अपनी सेवा दे चुके हैं तथा जिनके पास BA DED है और जो वर्तमान में संविदा शिक्षक परीक्षा पास है, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके और हम अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए वचनबद्ध हों। और क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र जो है प्रगति करता है। तो यहाँ कुछ विशेष बात यहाँ सुनने वाली जो इन्होंने कही है, वचन पत्र जो यहाँ पर इन्होंने पत्र लिखा है कमलनाथ जी को, उनमें ये जो है इम्पोर्टेंट कहा है कि खासकर जल्द ही ऐसे सभी अतिथि शिक्षक को नियमित करें जो 3 वर्ष सेवा दे चुके हैं और उनके पास क्या हो DED हो BED हो, वर्तमान की जो शिक्षक भर्ती हुई इसमें सिलेक्शन ले चुके हो। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, क्या उनका मूल्यांकन है, इसके संबंध में क्या मांग रखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, संगठन में मजबूती समझ में नहीं आ रही है। कोई अलग अलग मांगों को लेकर अपना जो है पत्ता झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख पाओगे तो यहाँ इनका क्या कहना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि उन अतिथि शिक्षकों को जो है नियमित किया जाए जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की वर्ग 2 की भाई उसमें सेलेक्टेड हो चुके हों और जो लगा 3 वर्ष से सेवा दे चुके हों। तो क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं हमें नीचे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।